सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने सोने के ब्रेविया ओलेड टीवी में आप जो है अपने, अगर आपका इस टाइप का इंटरफेस है तो आप अपना जो है सेटिंग से इसका जो साउंड है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी ही वेट किए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स आपको दिख जाएगा, आपको सेटिंग्स को खोल लेना। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग को मैंने खोल लिया है। सेटिंग खोलने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन जो देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पे साउंड पे जाऊंगा। साउंड पे जाने के बाद देखिए आप क्या होगा। साउंड पे जाने के बाद आपको देखिए नीचे करिए थोड़ा, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। टीवी स्पीकर में टीवी स्पीकर या वायर, अगर मैं टीवी स्पीकर पे क्लिक करूंगा एंटर मारूंगा तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ऑडियो सिस्टम। अगर आपके घर पे है तो आप ऑडियो सिस्टम करिए, अगर टीवी स्पीकर है तो टीवी स्पीकर पे जाइए। उसके बाद आपको जो है ये आपका ब्रेविया सिंक एक्सटर्नल स्पीकर है, ये आप ऑन करिए, आपका सिंक कर लेगा बहुत ही अच्छे से। उसके बाद हेडफोन का ये आप छेड़िए मत। और इसके बाद है अगर आप कोई और ब्लूटूथ डिवाइस यूज करते हैं, ब्लूटूथ का स्पीकर यूज करते हैं और आप चाहते कि आपका टीवी का भी स्पीकर वर्क करे और वो भी स्पीकर वर्क करे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ऑफ रखिए। अगर आपके घर में होम थिएटर है और होम थिएटर का कंट्रोल आप वीडियो मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, तो होम थिएटर का कंट्रोल आप वहां से कर सकते हैं। ये साउंड सिंक जो है आप ऑन रखिए। यहाँ पे एवी सिंक आएगा, इसको आप ऑटो कर दीजिए। यहाँ पे सिस्टम साउंड का ऑप्शन होगा, इसको ऑन कर लीजिएगा। और आपका टीवी पोजिशन जो है सबसे मेन होता है, उस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिएगा यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, टेबल टॉप स्टैंड और वॉल माउंट। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो टीवी है वो वॉल माउंट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वॉल माउंट रखना है। ये जो है आपका नीचे से जो स्पीकर है यहाँ से आपको इफेक्ट डालेगा, अगर आपका रहेगा तो ऊपर वाला ज्यादा आपका उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है, इसलिए आप जैसा है वैसा आप कर लीजिए। वॉल माउंट है मेरा तो मैंने वॉल माउंट कर लिया। अब मेन सेटिंग जो होता है आप सबसे ऊपर जाइएगा, सबसे ऊपर जाएगा तो एक साउंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा, देखिए जैसे ही आप क्लिक करिएगा यहाँ पे क्लियर ऑडियो, सबसे पहले आपको क्लियर ऑडियो जो है इसको ऑन कर लेना। ये आपका बैलेंस करता है और डिजिटल प्रोसेसिंग से आपका जो साउंड है बहुत ही अच्छा कर देता है। कोई कोई टीवी में हो सकता है ये ऑप्शन ना मिले, आपको अपना देख के करिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पे आपको साउंड मिलता है, उस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे तीन मोड आपको मिल जाएगा। साउंड मोड पे क्लिक करिएगा तो आपको तीन मोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि है स्टैंडर्ड मोड, डायलॉग मोड और सिनेमा मोड। तो मैंने स्टैंडर्ड पे इसको कर दिया, बहुत सारे स्पोर्ट्स म्यूजिक ये सब मिल जाता है तो स्टैंडर्ड कर दीजिए, जनरल कंटेंट के लिए है ये। यहाँ पे आपको जूम जो है वॉइस जूम इसको आप मैक्स कर दीजिएगा, मैक्स आप सेटिंग से कर दीजिएगा इसको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने मैक्स किया हुआ है, आप जैसे ही बढ़ाइएगा हो जाएगा। यहाँ पे आप नाइट में अगर टीवी यूज करते तो आपको जो लो वॉल्यूम में क्लियर साउंड चाहिए तो इसको आप ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ रखिए। अब आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो एडवांस सेटिंग में जैसे ही जाएंगे आपको कॉमन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। आपको जो बैलेंस है उसको आप सेंटर पे करिए, अगर मैक्स कर दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका डायनेमिक्स है वो थोड़ा सा हिल जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा कि आप इसको जो है सेंटर पे रखिए। इसको जैसे ही आप बढ़ाइएगा, देखिए बढ़ाइए इसको, देखिए जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा ये R2, R3, R5 ऐसे होते रहता, R max ये भी आप कर सकते हैं। ये मैं एक बार करके ट्राई करता हूं, तो आप R max पे कर दीजिए, R max पे करिएगा तो मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। R max के पे करने के बाद ऐसे मत करिए, आप सेंटर पे ही लेते आइए इसको, ये आपका जो बैलेंस है उसको छेड़छाड़ कर देगा। अगर आपको डीजे ज्यादा है, डीजे सॉन्ग है तो आप मैक्स कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको ज्यादा लाउड स्पीकर देगा। तो सबसे पहले आपको ये कर लेना है, डिजिटल ऑडियो आउट वॉल्यूम आपको मैक्स करके रखना है, इससे आपका जो वॉल्यूम है वो देखिएगा आप बूस्ट हो जाएगा। इसको आप मैक्स कर लीजिएगा अपने हिसाब से, मैक्स कर लीजिएगा, मैक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इनपुट रिलेटेड पे जाइएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको मैक्स कर लेना है, वॉल्यूम ऑफसेट को मैक्स कर लीजिए, डायनेमिक रेंज जो है स्टैंडर्ड रखिए। आपको यहाँ पे चेंज कॉम्प्रेस्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप साउंड मोड रिलेटेड जाइएगा तो आपको सराउंड इफेक्ट कितना चाहिए, मैं फुल करके रखता हूँ, फुल कर दीजिए इसको, फुल करिएगा तो आपको सराउंड इफेक्ट जो है अच्छा देखने को मिलेगा।
यहाँ पे आप देखिएगा तो इक्वलाइजर मिलेगा, ये आप छेड़छाड़ कर भी सकते हैं, इस पे आप क्लिक करिएगा इक्वलाइजर पे तो आपको देखिए ऐसा टाइप का कुछ इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको जो बहुत ही मतलब डिजिटल टाइप के बंदे वही करिए, इसको छेड़छाड़ मैं करने का रिकमेंड करता नहीं हूँ क्योंकि इससे पता नहीं क्या होता, मैंने कभी इसको यूज किया नहीं है और इससे जो है आपका टीवी का साउंड और बिगड़ भी सकता है, तो इसको आप छेड़छाड़ मत करिए। आप जो है अगर आपको कुछ आपने गलती से कुछ सेटिंग कर दिया तो आप रीसेट पे जाके इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप एक बार सेटिंग पूरा देख लीजिए इसको कैसे कैसे किया है मैंने, कॉमन पे जाइएगा, कॉमन पे देख लीजिए, आपको कॉमन का सेटिंग ये रखना है, आप इसको सेंटर पे रखिए, सेंटर पे रखिए और इसको मैक्स पे रखिए। इनपुट रिलेटेड का सेटिंग आप मैक्स कर दीजिए और साउंड मोड रिलेटेड का आप सेटिंग मैक्स कर दीजिए, और रीसेट आपका जब होता है जब आप वो सब छेड़छाड़ ज्यादा कर दिए और आपका टीवी का आवाज जो है खराब हो गया तो आप ऐसा कर सकते। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कोई अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।